हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं न्यू हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें कुछ हाई स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इस वक्त स्कूल जा रहे होते हैं, और यहीं पर ही हम इस ड्रामे की फीमेल लीड सोडम को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड बोना के साथ स्कूल जा रही होती है। और यहाँ पर बोना उसे देखकर कहती है कि आज खैर तो है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। तो यहाँ पर सोडम उसे कहती है कि कुछ नहीं, बस आज वेदर अच्छा है ना, तो इसलिए मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। एंड फिर यहीं पर ही हम दो लड़कों को भी देखते हैं जिन्हें ये दोनों छेड़कर वहाँ से स्माइल करती हुई चली जाती हैं। फिर तभी हमें गेट पर सोडम के क्लास मॉनिटर जंग हान को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बच्चों की चेकिंग कर रहा होता है। और फिर तभी उसकी नज़र सोडम पर पड़ती है तो वो तो उसे बस देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर सोडम भी उसे देखकर सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और फिर यहाँ पर हमें ये फील होता है कि जैसे कि जंग हान का उस पर क्रश है। खैर, यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड बोना उसे कहती है कि हमें लेट हो रही है, इसलिए हमें जल्दी से क्लास में जाना होगा। और वो दोनों फिर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर हमें सोडम की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम में मगन बैठे होते हैं। और यहाँ पर हम सोडम को देखते हैं जो कि स्माइल करने के साथ साथ शर्मा भी रही होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही उससे किसी लड़के ने अपना लव कन्फेस किया था और वो ये अभी उसी के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उसे अभी फिलहाल ये नहीं पता था कि आखिर वो लड़का था कौन। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि सोडम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो फिर एक पीरियड अटेंड करने नहीं जाती। और जब वो क्लास में जाती है तो तब वो वहाँ पर जीहू को देखती है जो कि ड्रेस चेंज कर रहा होता है। उसे ऐसा करता देखकर वो तो फौरन से अपनी आईज क्लोज कर लेती है और तभी उसकी चीज़ें भी नीचे गिर जाती हैं। तो तब जीहू उसे कहते हैं कि तुम अपनी आँखें खोल सकती हो, मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। और फिर यहाँ पर वो उसे उसकी चीज़ें स्मेट कर भी देता है। फिर यहाँ पर जीहू उससे पूछता है कि तुमने आज क्लास क्यों नहीं अटेंड की है, तो वो उसे कहती है कि असल में मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं क्लास में ही रहूँगी। और फिर आगे से जीहू ओके कहता वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोडम की तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो क्लास में ही सो जाती है। और तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो चोरी चोरी उसके पास आता है। यहाँ पर हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो लड़का है कौन, वो तो उसके पास बैठ जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो सोडम से अपना लव कन्फेस करता है। उस वक्त तो सोडम इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई लड़का उससे अपना लव कन्फेस कर रहा है। और जब उसकी आँख खुलती है तो तब तक सारी क्लास वहाँ पर आ गई होती है। और वो अपने ऊपर एक जैकेट पड़ी देख कर सोचने लगती है कि ये आखिर किसकी है। तभी बोना भी उसके पास आती है और वो उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हारे पास है, ये किसी और की परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है। तो वो भी कहती है कि हाँ पता नहीं क्यों। फिर तभी सोडम को याद आता है कि जब मैं सो रही थी तो तब किसी लड़की ने आकर मुझसे अपना लव कन्फेस किया था। और वो यही बात सोचकर फौरन से खड़ी हो जाती है। उसे यूं करता देखकर बोना उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है। और यहाँ पर सोडम तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, तो वो फिर वहाँ से चली जाती है। और अपनी सीट पर बैठ कर वो सोचने लगती है कि आखिर सोडम को हो क्या गया है, ये अचानक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। जबकि सोडम तो इस बात से बहुत खुश होती है कि जिंदगी में पहली दफा उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया था। खैर, फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वो यही सोच कर खुश हो रही होती है। फिर तभी एक लड़का आकर यहाँ पर क्लास के तीनों बॉयज जीहू, जंगहान और जू इनको कहता है कि कल तुम लोगों ने सर का पीरियड अटेंड नहीं किया था, तो इसलिए सर ने अब तुम तीनों को बुलवाया है। वो तो यहाँ से जा रहे होते हैं। और जबकि सोडम सोच रही होती है कि इसका मतलब है कि कल इन तीनों लड़कों में से किसी एक ने ही मुझसे अपना लव कन्फेस किया था। अब उसका मिशन उस लड़के को ढूंढना था।
फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब सोडम स्कूल जा रही थी तो तब रास्ते में उसने देखा था कि एक लड़के ने एक लड़की को धक्का मार दिया था और साथ में उससे सॉरी भी नहीं बोला था। ये देखकर तो सोडम को उस लड़के पे बहुत गुस्सा आया था। उसने जल्दी से अपने बैग पैक में से अपनी एक कैप निकालकर पहले अपने फेस को कवर किया था और फिर भागती हुई उस लड़के को धक्का देती हुई वो आगे चली गई थी। फिर उस लड़के से उस लड़की का बदला लेकर वो बहुत खुश हुई थी। और फिर तभी यहाँ पर जीहू और जो इनकी नज़र उस पर पड़ी थी, जो कि इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगहान ने भी उसे स्माइल करते हुए देखा था। और यहाँ पर तीनों लड़कों ने ही डिसाइड किया था कि ये लड़की तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोडम दिन दहाड़े एक ड्रीम देख रही होती है कि वो तीनों लड़के मीन जीहू, जंगहान और जोइन उससे अपना लव कन्फेस कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर सोडम उनसे कहती है कि तुम तीनों ने मुझसे अपना लव तो कन्फेस कर लिया है और जो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो सबसे पहले अपना हैंड रेस करे। वो तो पगला ही जाती है कि तीन तीन लड़के उसे लाइक करते हैं और यहाँ पर वो तीनों ही उसे रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। और वो उन तीनों को पीछे से आवाजें देकर कहने लगती है कि सॉरी मैंने तो वो मजाक किया था, लेकिन वो तीनों तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो अभी इसी ड्रीम में ही होती है कि तभी वो ना उसे इस ड्रीम से जगाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि हाँ यार मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग एक आर्टिकल में देखते हैं कि उनके स्कूल में एक टीचर और स्टूडेंट का स्कैंडल चल रहा है और यहाँ पर ये दोनों ही न्यूज देखकर काफी सरप्राइज होती है। और फिर तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि इंटरनेट कैफे पे काम करती है। वो इतनी सुंदर होती है कि यहाँ पर ना सिर्फ बॉयज उसकी तारीफ करते हैं बल्कि यहाँ पर तो सोडम और बोना भी उसे देख के पिघल जाती हैं। फिर तभी बोना को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है तो वो सोडम से एक्सक्यूज करती हुई वहाँ से चली जाती है और सोडम पीछे खड़ी सोचती रहती है कि मैं क्या हमेशा ही सिंगल रहूँगी। फिर यहाँ से जाते हुए उसकी नज़र जीहू पर और एक टीचर पर पड़ती है। वो उन दोनों को इकट्ठे देखकर सोचती है कि ये इन दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। और फिर वो खुद ही इन्हें इग्नोर करती हुई क्लास में चली जाती है। क्लास में आकर अब उसका मिशन ये था कि उसे उस लड़के को ढूंढना था जिसने उसे अपना लव कन्फेस किया था और साथ में वो ये भी सोचती है कि जिस लड़के ने उसके ऊपर जैकेट डाली थी जरूर उसके ड्रॉयर में वो जैकेट नहीं होगी। और जब वो उस प्लेस पर जाकर उनकी जैकेट्स को ढूंढने लगती है तो तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो दो बॉयज की जैकेट्स गायब हैं। तभी उसे किसी की आने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर एक लैब में जाती है और वहाँ पर पड़ी एक अलमारी में छुप जाती है। तभी हम यहाँ पर जीहू को देखते हैं, वो भी किसी से छुपने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में वो उसी अलमारी में ही छुपने लगता है जहाँ पर ऑलरेडी सोडम मौजूद होती है। वो दोनों एक दूसरे को अजीब सी नज़रों से देखते हैं। आखिरकार जीहू उस अलमारी में घुस ही जाता है और यहाँ पर सोडम उसे इतना करीब देखकर सोचने लगती है कि ये अचानक मेरी हार्ट बीट को क्या हो गया है, ये इतनी तेज क्यों हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि जीहू को कोई और नहीं बल्कि टीचर ही ढूंढ रही होती है और वो टीचर फिर उसे वहाँ ना पाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जीहू और सोडम भी उस अलमारी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जीहू सोडम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो वो भी आगे से इसको जवाब देने की बजाय उल्टा उससे ही पूछ लेती है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो जीहू फिर उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से खिसक जाता है। उसके जाने के बाद सोडम सोचने लगती है कि जंगहान की जैकेट तो उसकी ड्रॉयर में थी जबकि जीहू और जू इनकी नहीं थी। अब इन दोनों में से किसी एक लड़के ने उसे अपना लव कन्फेस किया था, अब वो इन दोनों में से कौन था उसे इस बारे में पता लगाना था। फिर रात को वो अपने डॉग के साथ बाहर वॉक करने आई होती है और यहाँ पर वो उससे भी इसी बारे में ही डिस्कशन कर रही होती है। और वहाँ से जाते हुए वो देखती है कि जीहू अपनी टीचर के साथ एक गाड़ी में बैठा होता है। उसे यूँ देखकर वो सोचने लगती है कि कहीं इन दोनों के बारे में ही तो वो स्कैंडल नहीं बना था। खैर जो भी था वो इनसे छुपती हुई आगे जाने ही लगती है कि तभी वो फिर एक और नज़ारा करती है कि जंगहान भी एक लड़की से डेट कर रहा होता है और वो लड़की भी कोई नहीं बल्कि इंटरनेट कैफे वाली होती है। ये बात तो उसके लिए काफी सरप्राइजिंग होती है। और फिर यहाँ पर जंगहान को फील होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है।
से पहले कि वो सोडम को देख पाता वो तो जल्दी से किसी और जगह पे छुप जाती है और इस तरह जंग खान उसे नहीं देख पाता। उसके जाने के बाद सोडम सोचने लगती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो डेट जरूर कर रहा है। तभी वो सोचने लगती है कि एक दफा उसने अपने एक क्लास फेलो जो कि उसका क्रश था उससे अपना लव कन्फेस करने का सोचा था और उसने उसे एक रेस्टोरेंट पर बुलाया था और जब वो वहाँ पर आ गया था तो तब सोडम ने उसे एक चॉकलेट बॉक्स भी दिया था। लेकिन उस लड़के ने तो आगे से कह दिया था कि मुझे पता है कि तुम आज मुझसे क्या कहने आई हो। ये सुनकर तो उस वक्त सोडम बहुत खुश हुई थी कि इस लड़के ने उसके दिल की बात जान ली थी। खैर जो भी था वो लड़का तो फिर थोड़ी देर बाद ही उसका दिल तोड़ देता है कि मैं अब स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। ये सुनकर तो सोडम बहुत सैड हो गई थी लेकिन वो लड़का तो उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता हुआ उसे चॉकलेट्स देने पर थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। उस वक्त फर्स्ट टाइम उसने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने फर्स्ट लव से अपना लव कन्फेस किया था लेकिन उसकी सारी मेहनत ही बेकार चली गई थी। अपने यूं दिल टूटने पर वो उस वक्त बहुत इमोशनल हुई थी। और फिर इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।